हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हमारी एक नई सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। तो चैनल के ऊपर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ऐसी ही बहुत सारी स्टडी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज को, हम नाम देंगे ल्यूसेंट की जो बुक है हमारी, उसके अंदर स्टैटिक जीके के जितने भी पोर्शन हैं उसमें आपके प्रथम महिला हो गई, प्रथम पुरुष हो गया, या फिर कोई भी स्टेट का फोक डांस हो गया, तो इससे रिलेटेड सभी जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे ल्यूसेंट की बुक के, उन सब को यहाँ पर कवर किया जाएगा। छोटी छोटी वीडियो होंगी 5 से 10 मिनट की। तो उन सभी के अंदर आपको स्टैटिक जीके, एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले सभी स्टैटिक जीके को कवर किया जाएगा ल्यूसेंट की बुक का, और साथ में अदर इन्फॉर्मेशन भी दी जाएंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर न्यू विजिट करता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, भारत में प्रथम महिलाएँ, यानी कि ऐसी महिलाएँ जिन्होंने इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम पे वो काम किया है, उस पोजीशन पे वो रही हैं फर्स्ट टाइम पे, तो उनका हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। जो हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। अब अगर इनसे रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का जन्म महाराष्ट्र के गांव में हुआ था, और गांव का नाम बता दें आपको आनंद गांव, जलगांव एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के नंदगांव के अंदर। तो ये देखिए हमारी राष्ट्रपति रही हैं कब से लेकर कब तक, और कौन से नंबर की राष्ट्रपति रही हैं, तो 12th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रही हैं 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक। और अगर ये पूछा जा सकता है कि भाई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस बीजेपी की थी, या फिर कांग्रेस से थी, या फिर आम आदमी पार्टी की पार्टी से थी, तो ये पार्टी से बिलोंग करती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। तो ये हमारी प्रेजेंट रही हैं 12th, हमने इनका जन्म बता दिया है। और इसके साथ आपको याद रखना है गवर्नर ऑफ राजस्थान, ये गवर्नर रही हैं राजस्थान के अंदर। तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान के अंदर गवर्नर का कार्य कर रही थी। तो इनका जो टाइम पीरियड था वहाँ पर 8 नवंबर 2014 से लेकर 8 नवंबर 2004 से लेकर सॉरी 14 नहीं 4 तो 2004 से लेकर 2007 तक, 23 जून 2007 तक, तो इन्होंने गवर्नर का पदभार संभाला है राजस्थान के अंदर। तो उसके बाद इन्हें मनोनीत कर दिया गया था, नॉमिनेट कर दिया गया था इलेक्शन के अंदर हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और ये जीत के भी आई थी। तो उसके बाद अगर बात करें ये इन्होंने किसका पदभार संभाला था, इनसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम, जो 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक काम किया था प्रेसिडेंट की पोस्ट पे APJ अब्दुल कलाम। तो उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जीत प्राप्त हुई थी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रेसिडेंट कौन बना था, तो 13 नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी, तो जो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक इन्होंने यहाँ पर काम किया था प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। तो 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही थी। इसके बाद की पूछें 13 नंबर के तो हमारे प्रणब मुखर्जी, और इससे पहले पूछें तो APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद अगर बात करें
सेकंड नंबर पे आता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत ही पर्सनालिटी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो छोटा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, तो ये हमारी थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। अगर इनके फुल नाम की बात करें तो इनका जो फुल नेम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी इनका फुल नेम था। इनके फादर का नाम जवाहरलाल नेहरू, इनकी मदर, उसके बाद अगर इनकी बात करें भाई किसकी मदर थी तो राजीव गांधी, और मदर थी किसकी? राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी के साथ साथ इनके अगर दूसरे बेटे का नाम बताएं तो संजय गांधी। दो लड़के थे इनके, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिशियन में इनका बहुत ही नाम है। इनके फुल नाम की हमने बात कर ली, और इनके हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था। इनको बीबीसी के द्वारा 1999 के अंदर वोमेन ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड? वोमेन ऑफ द मिलेनियम। ये अवार्ड दिया गया था बीबीसी के द्वारा 1999 के अंदर। तो वोमेन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड दिया गया था 1999 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी को बीबीसी के द्वारा, बाय बीबीसी। उसके बाद अगर इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें, ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी थी इनकी माई ट्रूथ। श्रीमती इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी माई ट्रूथ, तो माई ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भी हिस्सा लिया था। तो देखिए इनकी जो अगर बायोग्राफी की बात करें तो बहुत ही लंबी है, तो इनकी बायोग्राफी पर हम अलग से वीडियो को अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर बाकी की चर्चा हम वहाँ पर कर लेंगे। अगर उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट अल्वा रही हैं महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला सांसद की बात करें तो राधा भाई सुबारायन, तो राधा भाई सुबारायन भारत की प्रथम महिला सांसद रही हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की रही हैं। उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू, तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष यूपीएससी की रोज मिलियन बैथ्यू को चुना गया था। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना जॉर्ज और आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को चुना गया था यूपी के अंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, तो पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर को चुना गया था। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट को चुना गया था। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी को चुना गया था, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सलीला सेठ हिमाचल प्रदेश के अंदर चुना गया था। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल की चुनी गई थी, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी को। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला निर्जा भानोट को चुना गया था, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला निर्जा भानोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत होने का श्रेय जाता है विजया लक्ष्मी पंडित को, यानी कि यूएन के अंदर पहली महिला भारतीय राजदूत चुनी गई थी विजया लक्ष्मी पंडित।
और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा, आरती साहा को चुना गया था। इन्होंने पार किया था इंग्लिश चैनल को। तो उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मदर टेरेसा हैं। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कुमारी रीता फारिया। तो रीता फारिया को मिस वर्ल्ड चुना गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव को चुना गया था। एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ चुकी हैं संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली प्रथम महिला सुष्मिता सेन को चुना गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी को चुना गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी को फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी हमारे 25 नाम हैं उनको रीड किया है। तो इसके बाद 25 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।